भजन संहिता अध्याय 32। भजन संहिता अध्याय 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल किसी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेंगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं सकते, उनकी उमंग लगाम और बाघ से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो।